तो फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैंने इंडियन बस टांगी गेम के अंदर बस को ले लिया। तो तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि गाइस हमारे गेम के अंदर बस का चिट कोड क्या है। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग ये भी देख कि लो गाइस मैंने अपने गेम के अंदर निसान GTR कार के मोन्स्टर को भी ले लिया। और गाइस हमारे गेम के अंदर निसान GTR कार का मोन्स्टर काफी औसम भी लग रहा तो है। चलो तो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर निसान GTR कार के मोन्स्टर का चिट कोड क्या है। लेकिन जैसे गाइस मैंने अपने गेम के अंदर एम्बुलेंस का चिट कोड डाल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर एम्बुलेंस भी स्पॉन हो गया। एंड गाइस मुझे गेम के अंदर एम्बुलेंस को ड्राइव करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा तो है। चलो गाइस मैं आप लोग को फटाफट से एम्बुलेंस का चिट कोड भी बता देता और हूँ। साथ ही गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर एलिफेंट को भी ऐड कर दिया गया है। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर एलिफेंट काफी औसम भी लग रहा तो है। चलो गाइस मैं आप लोग को इंडियन बस टांगी गेम के अंदर एलिफेंट का चिट कोड बता देता हूँ। लेकिन गाइस आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही गाइस बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलो गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ कि गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर बस का चिट कोड क्या एंड है। फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि गाइस मैंने अपने गेम के अंदर बस को ले लिया। और गाइस अब आप सभी को ध्यान से देखना है कि गाइस मैं अपने गेम के अंदर बस को स्पॉन करने के लिए कौन सा चिट कोड डाल कर रहा हूँ। गाइस आप लोग को भी वो वाला चिट कोड डाल करना है। और हाँ गाइस अब आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर बस का चिट कोड खो तो दोगे। गाइस अब आप लोगों को गेम के अंदर बस को स्पॉन करने के लिए चिट कोड को डाल करना है 5006। एंड गाइस मैं यहाँ पर फटाफट से अपने गेम के अंदर 5006 चिट कोड को डाल कर लेता हूँ। और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ये वाला चिट कोड डाल करोगे तो गाइस आप लोग के गेम के अंदर भी अपना बस स्पॉन हो जाएगा। तो चलो गाइस मैं आपके सामने इस वाले चिट कोड को डाल करता हूँ। गाइस आप देखते हैं कि गाइस मेरे गेम के अंदर बस स्पॉन होता ही नहीं होता। और ये क्या गाइस यार मेरे गेम के अंदर तो बस तो स्पॉन हुआ ही नहीं। लेकिन गाइस हमारे गेम डेवलपर सर यान की गाइस रोड गेम स्टूडियो ने बताया कि इंडियन बस टांगी गेम के इस बार में गेम के अंदर आप लोगों को निसान GTR कार प्लस न्यू जेड एक्सटर्नल बाइक और KTM बाइक को भी ऐड कर दिया गया है। एंड इन सभी के अलावा गाइस गेम के इस वर्कआउट में गेम के अंदर कंट्रैक्शन को भी ऐड कर दिया गया। और साथ ही गाइस आप लोग को RGS टूल के अंदर काफी तगड़े न्यू न्यू फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस गेम के अंदर इन सभी चीजों को ऐड करने में काफी वक्त लग गया था। एंड इसी वजह से गाइस इंडियन बस टांगी गेम के इस वर्कआउट में गेम के अंदर गाइस बस को ऐड नहीं किया गया। लेकिन गाइस अगर आप लोग गेम के इस वर्कआउट में गेम के अंदर बस को ऐड करवाना चाहते हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट कर देना बस के लिए। एंड फिर तो गाइस हमारे गेम के इसी वर्कआउट में गेम के अंदर गाइस बस को भी ऐड करवा दिया जाएगा। तो फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि गाइस मैंने अपने गेम के अंदर निसान GTR कार के मोन्स्टर को भी ले लिया। एंड गाइस मुझे गेम के अंदर निसान GTR कार के मोन्स्टर को ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। तो चलो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर निसान GTR कार के मोन्स्टर का चिट कोड क्या है। तो जैसा कि गाइस आप लोग अभी टाइम अपने गेम के अंदर 300 चिट कोड को डायल करते हो तो गाइस आपके सामने अपना टार्जन कार स्पॉन हो जाता है। एंड गाइस आप लोग को गेम के अंदर टार्जन कार के मोन्स्टर को स्पॉन करना है तो गाइस आप लोग चिट कोड को डायल करते हो 0300। एंड जैसे गाइस आप लोग ये वाला चिट कोड डायल करते हो तो गाइस आपके गेम के अंदर टार्जन कार का मोस्टर ट्रक स्पॉन हो जाता है। तो गाइस हम ठीक इसी प्रकार से अपने निसान GTR कार के चिट कोड के आगे भी 0 लगाकर देखते हैं। तो गाइस अब आप लोग को चिट कोड को डायल करना है 0305। एंड गाइस आप देखते हैं कि गाइस मेरे गेम के अंदर निसान GTR कार का मोस्टर ट्रक स्पॉन होता ही नहीं होता। और ये क्या गाइस यार मेरे गेम के अंदर तो निसान GTR कार का मोस्टर ट्रक तो स्पॉन हुआ है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर निसान GTR कार के मोस्टर को ऐड नहीं किया गया है। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस वाले चिट कोड के ऊपर ही निसान GTR कार के मोन्स्टर को ऐड करवाना चाहते हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट कर देना निसान GTR कार के मोन्स्टर के लिए। एंड जैसे गाइस मैंने अपने गेम के अंदर एम्बुलेंस का चिट कोड डायल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर एम्बुलेंस भी स्पॉन हो गया। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर एम्बुलेंस काफी औसम भी लग रहा है। तो चलो गाइस मैं आप लोग को गेम के अंदर एम्बुलेंस का चिट कोड भी बता देता हूँ। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि गाइस आप लोग को गेम के इस वर्कआउट में गेम के अंदर निसान GTR कार देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि गाइस निसान GTR कार का सबसे ज्यादा डिमांड तो गाइस मेरा कहने का मतलब कि गाइस गेम के अंदर जिस वाले व्हीकल के ऊपर ज्यादा डिमांड होता है एंड गाइस उसी वाले व्हीकल को हमारे गेम के अंदर ऐड किया जाता है। लेकिन गाइस अगर आप लोग गेम के इस वर्कआउट में गेम के अंदर एम्बुलेंस को ऐड करवाना चाहते हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट कर देना एम्बुलेंस के लिए। एंड फिर तो गाइस हमारे गेम के इसी वर्कआउट में गेम के अंदर गाइस एम्बुलेंस को भी ऐड करवा दिया जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर एलिफेंट को भी ऐड कर दिया गया है। एंड गाइस मुझे गेम के अंदर एलिफेंट को ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस मैंने अपने गेम के अंदर एलिफेंट को कौन से चिट कोड की मदद से स्पॉन किया था और गाइस हमारे गेम के अंदर एलिफेंट का चिट कोड क्या है। लेकिन गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि गाइस अभी तक हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अंदर एलिफेंट को ऐड नहीं किया गया है। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर एलिफेंट को तब ऐड किया जाएगा जब गाइस हमारे गेम डेवलपर सर को कोई एलिफेंट का अच्छा सा मॉडल मिल जाएगा। और गाइस आप लोग एलिफेंट के लिए अधिक से अधिक कमेंट भी करते रहना और फिर तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी एलिफेंट को भी ऐड करवा दिया जाएगा। और जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि गाइस हमारे इंडियन बस टांगी गेम के अपडेट में थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन गाइस जब भी अपडेट आता है बहुत ही ज्यादा डेंजर वाला अपडेट आता है। तो चलो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस आप लोगों को इंडियन बस टांगी गेम का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलने वाला है। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि गाइस अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे इंडियन
इंजन बास्टांग टूडी गेम का अपडेट आया था एंड गाइस फिर से हमारे गेम के अपडेट के ऊपर वर्क शुरू होगा। जैसे गाइस वर्क कंप्लीट हो जाता है तो गाइस आप लोगों को इंजन बास्टांग टूडी गेम का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि गाइस एक मंथ के बाद इंजन बास्टांग टूडी गेम का अपडेट आने वाला है और गाइस आप लोगों को गेम के स्वर्ग में गेम के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को फ्लाइंग करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा और साथ ही गाइस गेम के अंदर टीवी उनके चिटकोड नंबर को भी एड किया जाएगा। इस सभी के अलावा गाइस आप लोग को गेम के स्वर्ग में गेम के अंदर काफी सारे न्यू फीचर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और फाइनली गाइस मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।